अरे मारी चलो मेरा, अरे मारी चलो मेरा, अरे गढ़वाले ने मार दिया। Hey guys, welcome to Vikas Deep Vlogs। तेरा बच्चों उतर दो तो। लीजिए भैया। आज की पार्टी कुणाल शिवा की तरफ से। Welcome to Vikas Deep Vlogs। Bro, खाली पेट नहीं खाना तो वैसे अंदर बहुत ट्रैफिक है। आज मर्चा कौन खाता है? आप दोनों में से मर्चा कौन खाता है? अच्छी पार्टी आपके तरफ से। चिकन टिक्का क्या खाओगे? चिकन वाले डिश में कुछ भी ऑर्डर करो। सातवां ट्रक स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोनलेस चिकन टिक्का। Three seconds later. जल्दी करो भैया, भूख लगा है। इन्हें 15 मिनट लगा डिसाइड करने में कि खाएं क्या। एक प्लेट इनका हो गया। हम दोनों का चिकन। ये Now when the news hit, I couldn't believe the blue strip had to set the bulletin. Hey, Bill diya, il mera piche piche chal diya. Whoa. मजा आ गया खाके। अब जा रहे हैं रावण दहन के लिए। मैंने बाप। वाह ब्रो। देखो हर कोई अपने यहाँ राजा होता है। हमारे एक खुला हुआ है। अरे ऑटो मिस कर गए हम। एक नजर हटी क्या के दुर्घटना। एक और मिस कर दिए। तीन ऑटो मिस कर दिए। 2 किलोमीटर पीछे ही है, चलते हैं। 2000 years later. Oh my god. What the hell bro? रावण चलने को तैयार है। वाह क्या भीड़, मजा आ जाएगा कसम से देख के यार। अभी केवल देखना है। अरे वहाँ पीछे तक भी है। बहुत ज्यादा है। इतना मजा आएगा बता नहीं सकते हम। बहुत रावण देखा 10-12 मुड़ी वाला। हाँ खुशी दिया। डीजे पार्टी है क्या? घूम भी बहुत धूल है यहाँ पे तो। बहुत धूल है यहाँ, इतना लोग आए कि धूल है तो सीन क्रिएट हो गया। यहाँ जैमर लगा जियो के लिए ना। मेरा भी उड़ गया। मेरा भी नेटवर्क उड़ गया। एयरटेल का है। मैं स्टेडियम में गया था ना तो वहाँ भी जैमर लगा था जियो के लिए। जियो का कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता। मेरठ में तो पूरा जियो ही जियो है। मेरा एयरटेल, मेरा कोई नेटवर्क इशू नहीं होता। हाँ तो आप लोग का क्रिमिनल वाला होगा। यूनिवर्सिटी आईपी बनेंगे, टेंशन ना लो। वैसे मुझे मजा आएगा। ये वाला झूला आज तक कभी किया हूं। मैं गया हूं। कैसा लगता है? लेकिन बच्चों वाला है। वही बच्चों वाला है इसलिए इसलिए किया हूं। लेकिन ये बहुत छोटा है। इससे बड़े 3-3 मंजिला इतना। हम इस पे जाएंगे ना तो हम बाहर गिर जाएंगे।
हम बाहर गिर जाएंगे। नहीं गिरेंगे, बच सकते हैं, इसमें भी बच्चे हैं। कुणाल को इसमें बैठा, कुणाल को। ओह कुणाल, कुणाल आ जाएगा। और क्या, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई एम अ मैन, अ मैन, अ मैन, अ यंग मैन, शक्ति मैन। या ब्रो, इतना बेइज्जती होने के बाद क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रिया ने आपके बारे में बोला था। ये कहना चाहूँगा, हाथी चले बजाओ और कुत्ता भौंकता जाए, कुत्तों का काम है चलना और कुत्तों का काम है भौंकना। केवल बच्चों के लिए है, हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे, इनको बड़ा करेंगे, इतना नहीं। डॉक्टर विवेक वर्मा बोलते हैं। कौन सुन कर दिया, ये तो लड़कियां हैं, मैं भी बजाऊंगा। सब लिए भोंपू, मेरे को भी चाहिए भोंपू। वीआईपी है, मुझे लगा पास अगर मिल जाए तो वहाँ पे बैठ जाएंगे। दशमी का ये पर्व इसमें नहीं है, हमें वीआईपी बनना पड़ेगा। यार जितना जल्दी जाएंगे दूर जाएगा, क्योंकि यहाँ गिरने का थोड़ा खतरा भी रहता है। नहीं ब्रो, ना ना सही बात है। मैं सही, बिलीव मी गाइस, सब्सक्राइब टू विकास द व्लॉग्स। स्ट्रेट पूरे हो गए तो। ओह माता जी यहीं पे हैं। जय माता दी। अब हम बहुत सेफ जगह पे हैं, तो यहाँ चांद भी गिर जाए तो बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे आने में। अरे भाई, ओ ऐसे यार, आप लोग से बहुत कहाँ थे आप? इसका मतलब राम जी आएंगे, है थी है ना? लाइक सब्सक्राइब एंड कट ब्लॉक्स। इसका मतलब अब राम जी बस आने वाले हैं। जय श्री राम। अब हम अंदर आ गए हैं। टूटिया तो यहाँ टूट गई है, यहाँ बचाना है तो कोई फायदा ही नहीं। उधर से एंट्री मिल रही है, इधर से लोग तो वैसे ही जा रहे हैं। ₹10 ये 10 रुपए।
कसम से मेरा पेट भर गया, अब मेरे से खाया नहीं जाएगा। वो तो बहुत सारा भूख लगा हुआ है। कलयुग का रावण हमारे मेरा हो गया खत्म। रावण जल गया, हम अपने घर जा रहे हैं। घर जल्दी जाएंगे, कुछ सामान वाली है। ओ, ओ। जैसे ही बोल रहे हैं राजपूरा मुंह बना के सीधे चल दे रहा है। बोल भी नहीं रहा है, नहीं जाऊंगा, सीधे गाड़ी लेके भाग जा रहा है। देख आया तो रो, राजपूरे जाएंगे, बक्सर, पाकिस्तान, मैं भी इसी में आता हूँ। पकड़ लिए, पकड़े गए, ये पकड़े गए। हम सब अभी आ ही गए, वैसे चलिए। हाँ अच्छी बात है, वैसे अब आइए खुल गए, मस्ती बहुत हो गया। ऊपर मत जाए कि रेवड़ना ईंटा को चला के मार देगा। वैसे कैसा लगा ये प्रैंक? ये कोई किसी तरह का कोई प्रैंक ये था। इसे बोलते हैं डर, इसे बोलते हैं ईगो, इसे बोलते हैं अकेला पर रहना। फिल्मों में होता है, दिख रहा रियलिटी इससे भी गंदा होता है ब्रो। कीड़ा है, अभी भी कीड़ा है, ये रहा। कमाल की बात बताते हैं भैया, पूरा धरती घूम गया अपने जगह पे। कुणाल शिवा ने एक बार भी गाली नहीं दिया, पता है क्यों? 3 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को, लेकिन हर एक साल मैं भूल जाता था। 12 बजते थे, मैं विश नहीं कर पाता था। मैं अपना फोन लेकर बैठा रहता था कि जैसे ही 12 बजेंगे मैं विश करूंगा, बट ऐसा हो नहीं पाता था। 12 बजा उससे पहले से मैं उससे कॉल पे बात कर रहा था, लेकिन जैसे विश किया मैंने, मैं इतना खुश हो गया कि खुशी के मारे मैंने कमिटमेंट कर डाली। बस उसी का मुझे भुगतान भुगतना पड़ा कि 24 घंटे तक मैं एक भी गाली नहीं बोल पाया। एक्चुअली देखा जाए तो डेली उनका जन्मदिन पड़ना चाहिए, इससे क्या होगा, गाली का कम होगा, ये गाली कुछ हद से ज्यादा देते हैं। तो गाइस आज के लिए बस वीडियो यहीं पे रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अगर तुमने वो टाइम नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। I'm at my prime.